नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं रचना श्रीवास्तव। भारत में आज के दौर में भी महिलाएं अपने पति को भगवान का दर्जा देती हैं, उसकी लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, लेकिन कुछ पति शायद इस सम्मान के हकदार नहीं होते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश से ही एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पति ने राक्षस बनकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पति पत्नी जैसा रिश्ता भी यूंदम तोड़ जाएगा शायद किसी को उम्मीद ना थी, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। लेकिन सागरपुर में तो एक पति अपनी ही पत्नी की मौत का कारण बन गया। मामला दयाल पार्क का है, जहां हैवान बने पति ने अपनी पत्नी को चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। बेरहम पति ने अपनी पत्नी पूनम पर एक के बाद एक चाकुओं से कई बार वार किए। पूनम चिल्लाती रही, लेकिन हैवान बना पति राजेश उसका खून बहाता रहा और आखिर में पूनम ने अपने पति के जुल्मों सितम सहते सहते अपनी सांस हमेशा के लिए बंद कर ली। बताया जा रहा है कि पति जब अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार रहा था तो बच्चे उसके पास ही खड़े थे, जो बिल्कुल सहमे हुए मन ही मन पूछ रहे थे कि पापा मम्मी को क्यों मार रहे हैं। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार पति की तलाश में जुट गई है। साथ ही पुलिस सहमे हुए बच्चों को पहला फुसलाकर मामले की कार्रवाई में जुट गई है। कैसी मतलब क्या हुआ था, ये क्या मामला है? वो जी हमें तो पता नहीं था इतना। तो पुलिस आई, उसके बाद ही पता लगा कि जी ऐसे ऐसे हो गया। तो ऊपर जाके देखा तो भांजे ने उसने बताया कि भाई मामा ने मामी को मार दिया। कि मतलब किस तरीके से मारा है, कैसे? वो कहते तो ये कि चाकू वाकू मार दिया गले पे। अच्छा, तो क्या जो जिसने मारा, क्या नाम उसका? राजेश। अच्छा, उसका पति नाम है उसका। क्या कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं तीन। तीन, एक दसवीं क्लास में पढ़ता है, एक नौवीं में पढ़ता है, एक चौथी में पढ़ता है। ये कौन सी जगह है? ये दयाल पार्क, ये ब्लॉक है, ये सागरपुर। सागरपुर क्या पुलिस मौके पर आई थी? हाँ, पुलिस एकदम मौके पे आ गई। 100 नंबर की कॉल करी थी लड़के ने, बड़े लड़के ने उनके, तो उन्होंने कॉल करते पुलिस आ गई। ठीक, जब 2-3 जिप्सी आई, जब हमें तो पता लगा, हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी। ठीक। फिलहाल इस वारदात ने सबको हैरान परेशान कर दिया है कि कैसे आदमी राक्षस बनकर अपनी सारी हदें पार कर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इन जानवरों पर रोक लग जाएगी और पूनम जैसी महिलाओं को उनकी मौत का न्याय मिलेगा।